हेलो किसान भाइयों नमस्कार। अगर आपका मटर इस अवस्था में है तो कौन सी फर्टिलाइज़र, कौन सा दवा डालना है, पूरा ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बुआई से लेकर के आपके फसल में फूल लगने तक की पूरा देख रेख कैसे करना है, पूरा ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो किसान भाइयों आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आधा अधूरा सीखा हुआ काम खराब होता है। या तो सीखो ही नहीं, या तो सीखो तो पूरा ही काम सीखना चाहिए। तो मैंने ये मटर जेके कंपनी का 124 बीज 1 किलो का पैकेट है, बीज उपचारित किया हुआ ही रहता है। मैंने इसको पानी से भर दूंगा और 24 घंटे के लिए मैं इसको पानी में डाल के रख दूंगा, कहीं पूरी रात भीगेगा इसमें और मटर अपना अच्छा अवस्था बन जाएगा। जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, एक रात के लिए आप पानी में ज़रूर रख लें। सुबह मैं इसको निकाल के अपने खेतों में आ गया हूँ। लाइन से लाइन की दूरी है 8 इंच और मैं पौधे से पौधे जो बीज यहाँ पे डल रहा है वो 4 इंची के आसपास है, 4 इंची 3 इंची आप एक एक बीज गिराएं और कुछ इस तरह का जुगाड़ आपको बनाना पड़ेगा। मैं बना रखा हूँ इसको, लास्ट में आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्या बना करके जुगाड़। और मेरे खेतों में दिख रहा होगा आपको, ऊपर से नमी नहीं है लेकिन नीचे जब मैं उसको खींच के लाइन दे रहा हूँ तो उसमें नमी है अंदर। तो आपको खेतों में नमी पर्याप्त होना चाहिए बीज जर्मिनेशन होने के लिए। और एक मैं कुदाल से पूरा इसको जो बीज में बोया गया उसको ढक देता हूँ। आप पैर से भी कर सकते हो, आपके जुगाड़ बना करके और लाइन बाय लाइन करने के बाद उसमें बीज बोने के बाद आप अपने पैर से या किसी और चीज से ढक देना चाहिए। लेकिन मैं उस तरह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीज इकट्ठा होने का, क्योंकि ज़्यादा गहरा बीज नहीं है, 1 इंच आधा इंच के आसपास ही बीज ऊपर में ही है। तो मैं इस तरह से इसको पूरे खेत में करूँगा और मिट्टी अच्छी तरह से इस पर पड़ जाएगा। रह गया किसान भाइयों खाद की बात, तो मैं बता दूँ तो मैंने इसमें DAP अपने खेत के अनुसार जो मात्रा है, मैं कट्ठे पे बताऊंगा, 1 कट्ठे में मैं 2 से 2.5 किलो DAP, 1 किलो पोटाश और 0.5 किलो जिंक और 2 किलो यूरिया अलग अलग मिक्स नहीं करना है, अलग अलग मैं अपने खेतों में डाल के अच्छी तरह से जुताई करने के बाद मटर मैंने इसमें लगाया हूँ। इसके बाद कौन सी खाद देना है, पानी कब देना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलना पड़ेगा, आप मिलेगा, आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखो, स्किप करके नहीं देखना है। ये मॉडल से आप खेती करो तो अच्छा फसल होगा आपको, ये मेरा गारंटी है। तो मैं दोस्तों किसान भाइयों जुगाड़ में दिखाता हूँ, एक तो ये मेरा छोटा सा कुदाल है, मैं काट दिया हूँ इसको, जो चलाने में जो जगह है 8 इंची में चल जाए। और एक ये मैं बांस का डंडा और लकड़ी का जुगाड़ बनाया हूँ लोहार के पास, उसको छेद करके नुकीला सा बना करके और इसी से लाइन काटता हूँ। तो इस तरह से जुगाड़ आप बना ले। 6 दिन का ये व्यूज है, 6 दिन बाद मटर जो है जर्मिनेशन होने लगा है, वो दिख रहा होगा। तो 6 दिन बाद ये फुटेज है। अब इसमें आपको 15 दिन बाद, 6 दिन नहीं 15 से 20 दिन का जो फसल हो जाएगा तो आपको इसमें पानी डालना है। पानी ऐसे डालना है, या तो आपके पास अगर रेन पाइप है, फवारा है, तो इस तरह से आप पानी डाल सकते हो। नहीं है हमारे पास नहीं, तो मैं इसको हाथों से कोई ऐसा बर्तन ले लेता हूँ और हाथ से ऊपर
उपज उपज के हमारे यहाँ उपछाक बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो मैं पूरी खेत में उपछा दूंगा 15 से 20 दिन का जब फसल हो जाएगा तब। उसके बाद देखिए किसान भाइयों, पूरा खेत में खरपतवार कितना ज़्यादा हो गया है, मटर से ज़्यादा हमारे यहाँ खरपतवार है। तो मैं इसमें कोई दवा का छिड़काव नहीं करूँगा, क्योंकि इसके जस्ट 1 महीने 2 महीने बाद मैं इसमें फसल लगाने वाला हूँ दूसरा, इसमें करेले की खेती होगा। तो इस वजह से मैं कोई दवा का छिड़काव नहीं करता हूँ और हाथों से ही खुरपी लेकर के छोटा सा और पूरे खेत का खरपतवार इस तरह से साफ कर लेना है। कोई मैं ज़्यादा लंबा खेती नहीं करता हूँ, ये खरपतवार मैं पूरी अच्छी तरह से पूरा एक एक करके खुरपी से, छोटा खुरपी उससे निकाल लेना है। दवा का छिड़काव ना ही करें तो ही अच्छा है, खरपतवार नाशक दवा नहीं यूज करना चाहिए, वो खेतों के लिए भी नुकसानदायक है। और मटर खेत में जो आप फसल बोएंगे तो अगर आप 90 दिन बाद कोई फसल लगाएंगे तो वो फसल की वृद्धि बहुत कम होता है, आपका अच्छा फसल दूसरा फसल जो है नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं छोटे किसान हूँ, मैं एक खेत से साल में 3-4 फसल निकालता हूँ, तो मैं कोई ज़्यादा बड़ा खेत मेरे पास ज़मीन नहीं है कि मैं दवा लगा दूँ और चलो छोड़ देंगे उसको 6 महीने के लिए। मुझे इस खेत से लगातार फसल लेना है, इस वजह से मैं दवा का छिड़काव नहीं करता हूँ। और अगर आप छोटे किसान हैं तो दवा का छिड़काव ना ही करें, हाथ से ही अपना काम करें, वही अच्छा रहेगा। और फसल के लिए भी आपका मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा, इसका जड़ में हवा लगेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपका फसल वृद्धि करेगा और जड़ का भी वृद्धि होगा। इस वजह से मिट्टी को भुरभुरा करें और खरपतवार भी दोनों साथ काम होगा, डबल काम, एक काम के साथ डबल फायदा आपका मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये 1 महीने का फसल है, अब मैं इसको खरपतवार निकालने के बाद इसमें मैं डबल उपछा यानी पानी देने वाला हूँ, वही फवारा टाइप से। मेरे पास पहले ही बताया हूँ कि रेन पाइप और फवारा सिस्टम नहीं है, तो हाथों से ही एक काम करता हूँ। पानी देने से पहले आपको खेत में क्या करना है पूरी जानकारी मैं अब देता हूँ। अगर 2 कट्ठे का खेत है तो 1 किलो सल्फर, 1 किलो कैल्शियम यानी कट्ठे पे आधा किलो, और 4 किलो के आसपास आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया ले लेना है, और अलग अलग तीनों को छिड़काव कर देना है। अगर जिंक की कमी नज़र आए आपके फसल में तो जिंक भी 1 किलो के आसपास ले लेना है। तो ये पूरा छिड़काव करने के बाद आप ऊपर से इसी मॉडल से आप पानी दें। अगर आपके पास रेन पाइप और फवारा सिस्टम नहीं है तो इस तरह से आपको ही पानी देना पड़ेगा, पूरा बिल्कुल खेतों को पानी से नहीं भरना है। अगर डायरेक्ट पानी आप डालोगे तो आपका पौधा जो वृद्धि हो रहा है वो वृद्धि आपका रुक जाएगा, क्योंकि मटर के खेतों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, हल्का नमी आप बना के रखना होता है मटर की खेतों में। ज़्यादा पानी दोगे तो आपका मटर पीला हो जाएगा और उसका वृद्धि रुक जाएगा। तो किसान भाइयों, ये ध्यान ज़रूर आपको रखना है, पानी मटर की फसल में आपको बहुत कम देना है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आपके पास ज़्यादा जुगाड़ नहीं है तो इस तरह से ही आपको पानी देना है।